दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पावर रेंजर यूनिवर्स का सबसे पुराना और सबसे सीनियर विलन कौन था? क्या आप जानते हैं कि पावर रेंजर यूनिवर्स का सौवा रेंजर कौन था? और क्या आपको पता है कि बड़े बड़े विलन से लड़कर उन्हें पैरों की धूल चटाने वाले बहादुर पावर रेंजर्स सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इनमें से कुछ फैक्ट शायद आपको पहले से पता होंगे और कुछ फैक्ट शायद आपके लिए भी बिल्कुल नए होंगे, लेकिन एक बात का तो पक्का है कि अगर आप एक पावर रेंजर फैन हैं तो आपको वीडियो देखने में जरूर मजा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली ऑन एयर हुए पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी देखे हैं तो आपको पता होगा कि पावर रेंजर्स के लेटेस्ट सीजन में पावर रेंजर यूनिवर्स का सबसे पुराना रेड रेंजर सामने आया है। पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी का रेड रेंजर यानी जेटो पिछले 65 मिलियन सालों से पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर विलन्स की बात करें तो पावर रेंजर्स डायनो चार्ज का मेन विलन यानी स्लेज भी 65 मिलियन साल पहले एनर्जेम्स का पीछा करते हुए पृथ्वी पर आ गया था। यानी पावर रेंजर्स यूनिवर्स में स्लेज भी 65 मिलियन साल पहले से ही अस्तित्व में था। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि स्लेज भी पावर रेंजर यूनिवर्स का सबसे पुराना विलन नहीं है। पावर रेंजर यूनिवर्स के सबसे पुराने विलन्स थे पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव के मोल्टोर और फ्लोरियस, जो टाइमलाइन की शुरुआत से भी पहले से पावर रेंजर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जब पृथ्वी ग्रह पर किसी तरह के जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उस वक्त ब्रह्मांड के दूर किसी ग्रह पर मोल्टोर और फ्लोरियस ने देवताओं के मुकुट कोरोना अरोरा को चुराने की कोशिश की थी, जिसके बाद कोरोना अरोरा ने उन दोनों को श्राप देकर कैद कर दिया। और इससे आगे की कहानी तो आप लोगों को पता ही है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, पावर रेंजर यूनिवर्स में अब तक कुल मिलाकर 140 से भी ज्यादा पावर रेंजर्स आ चुके हैं, लेकिन इन सब में से सिर्फ कुछ चुनिंदा ऐसे रेंजर्स हैं जिनके पेरेंट्स ने ही उनके लिए मेंटोर्स का रोल भी निभाया था। यानी मानना पड़ेगा इन मेंटोर्स के जज्बे को, जिन्होंने अपने खुद के बच्चों को जानलेवा खतरों का सामना करने के लिए रेंजर बना दिया। लेकिन इन कुछ मेंटोर्स में से सिर्फ कैप्टन मिशेल और कमांडर शॉ ही दो ऐसे मेंटोर्स थे जिन्होंने इंटेंशनली अपने बच्चों डेना मिशेल और रवि शॉ को लड़ाई के मैदान में उतारा था। हालांकि टाइटेनियम रेंजर यानी रैन मिशेल भी कैप्टन मिशेल का ही बेटा था, लेकिन उसे कैप्टन मिशेल ने रेंजर नहीं बनाया था। इन तीनों के अलावा पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म से कैम, पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स से निक और पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवर ड्राइव से मैक भी मेंटोर्स के बेटे थे और पावर रेंजर्स रह चुके हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा था, मैक और कैम के पिता शुरुआत में उन्हें रेंजर नहीं बनाना चाहते थे, और निक को रेंजर पावर्स देते वक्त उडोना को भी नहीं पता था कि निक उन्हीं का बेटा है। तो इस तरह कैप्टन मिशेल और कमांडर शॉ पावर रेंजर्स यूनिवर्स के दो ऐसे मेंटोर्स हो जाते हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को बचाने के लिए अपने बच्चों की जान को खतरे में डालने की हिम्मत दिखाई। सचमुच आज ये फैक्ट जानने के बाद हमारे दिल में कैप्टन मिशेल और कमांडर शॉ के लिए इज्जत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप सभी ने पावर रेंजर मिस्टिक फोर्स की मैजिकल सोर्स यानी मिस्टिक मदर को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्तमान समय की मिस्टिक मदर कोई और नहीं बल्कि पावर रेंजर्स के सबसे पहले सीजन यानी माइटी मॉर्फिन की रीटा रेपल्साई हैं। अगर आपको याद हो तो पावर रेंजर्स इन स्पेस के फिनाले में सभी बुरी ताकतों का अंत हो गया था, जिसके बाद रीटा रेपल्सा ने अच्छाई का रास्ता अपना लिया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे जादू के लिए किया। दोस्तों, रीटा रेपल्सा हम सबके लिए इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि इंसान के कर्म और उसके फैसले उसे पाताल की गहराइयों से स्वर्ग की ऊंचाइयों तक भी ले जा सकते हैं और स्वर्ग की ऊंचाइयों से पाताल की गहराइयों में लाकर भी पटक सकते हैं। एक समय में रीटा रेपल्सा अपने जादू का इस्तेमाल पावर रेंजर्स को मारने के लिए किया करती थी, तो एक समय वो आया जब रीटा रेपल्सा ही पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स को मॉर्फिंग ग्रिड से जोड़ने वाली मैजिकल सोर्स बन गई। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पावर रेंजर्स यूनिवर्स में अब तक 140 से भी ज्यादा रेंजर्स हमें दिख चुके हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि पावर रेंजर्स का टोटल काउंट काफी पहले ही अपनी हाफ सेंचुरी मार चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि पावर रेंजर्स यूनिवर्स का सौवा रेंजर कौन था? अगर नहीं तो चलिए हम आपको एक हिंट देते हैं। हमें पता है कि हर रेंजर की एक जर्नी होती है, एक कहानी होती है, लेकिन इस रेंजर की कहानी दूसरे सभी रेंजर्स से पूरी तरह अलग है। ये कैरेक्टर एक हादसे के तहत रेंजर बना था, जबकि ये खुद, इसकी टीम और यहाँ तक कि इसकी मेंटोर भी इसे पावर रेंजर नहीं बनाना चाहती थी। साथ ही आपको बता दें कि पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी के साथ ही पावर रेंजर्स यूनिवर्स में टोटल 95 रेंजर्स हो चुके थे, जिसका मतलब यह हुआ कि पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी के बाद आने वाले पावर रेंजर्स का पांचवा रेंजर ही पावर रेंजर्स यूनिवर्स का सौवा रेंजर था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। पावर रेंजर्स यूनिवर्स का सौवा रेंजर था जिगी ग्रोवर, जो लड़ाई झगड़े से डरता था और एक रेंजर तो किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने ग्रीन रेंजर मॉर्फर को गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए ना सिर्फ उस मॉर्फर को अपनी कलाई पर पहना इस्तेमाल किया, बल्कि एक अच्छा रेंजर बनकर भी दिखाया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एक पावर रेंजर सीरीज के अंदर जितने भी रेंजर्स होते हैं उन सबका मॉर्फिंग सीक्वेंस एक जैसा होता है और पूरी तरह से मॉर्फिंग ग्रिड पर निर्भर करता है? अगर हाँ तो यहाँ पर हम गलत हैं। मॉर्फिंग सीक्वेंस को काफी कुछ सोच समझकर डिजाइन किया जाता है और एक रेंजर का मॉर्फिंग सीक्वेंस उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत कुछ दिखाता है। मिसाल के तौर पर पावर रेंजर स्पेस पेट्रोल डेल्टा की कोर टीम के मॉर्फिंग सीक्वेंस को ही देख लीजिए। मॉर्फिंग ग्रिड के अंदर बैकफ्लिप करते वक्त लगभग सभी रेंजर्स अपने दोनों हाथ या कम से कम एक हाथ को जमीन पर लगाते हैं खुद को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन सिर्फ सिड ड्रू ही एक ऐसी रेंजर थी जो बिना किसी तरह के सपोर्ट के उस बैकफ्लिप को पूरा कर लेती थी, जिससे पता चलता है कि सिड अपनी टीम के दूसरे मेंबर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और एक्रोबैटिक थी। और यहाँ पर ये क्लियरली दिखाई देता है कि एक रेंजर की फिजिकल एबिलिटीज उसके मॉर्फिंग सीक्वेंस को काफी हद तक अफेक्ट करती हैं। फैक्ट नंबर 2।
ये फैक्ट दोस्तों हमें पावर रेंजर्स के डायरेक्टर्स और कैमरामैन्स के काम को और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने के लिए मजबूर कर देगा। तो बात यह है कि माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स में ओरिजिनल ब्लैक रेंजर यानी जैक टेलर का किरदार निभाने वाले एक्टर वॉल्टर जोन्स के बाएं हाथ में एक फिंगर मिसिंग थी, जो वो बचपन में हुए एक हादसे की वजह से गंवा बैठे थे। लेकिन फिर भी शो के डायरेक्टर्स ने शो का पिक्चराइजेशन इतनी खूबसूरती से किया है कि शो को देखते वक्त एक नजर में आप ये बात नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ एपिसोड्स में और उनके मॉर्फिंग सीक्वेंस में भी आप देख पाएंगे कि उनके बाएं हाथ में एक फिंगर मिसिंग है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों हमारे बहादुर पावर रेंजर्स हर वक्त हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। दुश्मन चाहे बड़ा हो या छोटा, किसी और ग्रह से हो या किसी और गैलेक्सी से, एलियन हो या म्यूटेंट, ऑर्ग हो या मॉन्स्टर, हमारे रेंजर्स किसी से नहीं डरते सिवाय स्पाइडर्स के। जी हाँ दोस्तों, स्पाइडर्स वो क्रीचर्स हैं जिनका जिक्र पावर रेंजर्स में सबसे ज्यादा बार किया गया है, और ये बताया गया है कि पावर रेंजर्स यूनिवर्स में ऐसे बहुत से रेंजर्स हैं जिन्हें अरैक्नोफोबिया यानी स्पाइडर्स का फियर है। अरैक्नोफोबिक पावर रेंजर्स की लिस्ट में आते हैं माइटी मॉर्फिन से जैक टेलर, पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म से शेन क्लार्क, पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी से लिली चिलमैन, पावर रेंजर्स सैमुराई से जेडन और पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर से नेट सिल्वा। इन सब रेंजर्स के अलावा विलन्स में पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म की कैपरी भी अरैक्नोफोबिक थी। वैसे स्पाइडर्स से तो मुझे भी डर लगता है, तो हो सकता है बहुत जल्द मैं भी पावर रेंजर बन जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो बढ़िया होगा। स्पाइडर्स के बाद अगर कोई क्रीचर पावर रेंजर्स को सबसे ज्यादा डराता है तो वह है फ्रॉग्स। पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स की मेडिसिन और पावर रेंजर्स सैमुराई की मिया दोनों ही फ्रॉग्स से डरते थे। लेकिन आप चिंता ना करें दोस्तों, स्पाइडर्स, फ्रॉग्स और सिट के मेकअप के अलावा पावर रेंजर्स और किसी भी चीज से नहीं डरते, और अगली बार जब कोई मॉन्स्टर आपके शहर पर हमला करे तो पावर रेंजर्स आपको बचाने जरूर आएंगे। तो दोस्तों ये थे पावर रेंजर्स से जुड़े कुछ फैक्ट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अनफॉर्चुनेटली पावर रेंजर्स के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है और कहने के लिए समय बहुत कम है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो पर आने और यहां तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स से रिलेटेड कोई डिटेल हमसे मिस हो गई हो या आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि डॉक्टर टॉमी ओलिवर के अलावा पावर रेंजर यूनिवर्स में कौन सा कैरेक्टर है जिसने सबसे ज्यादा कलर्स पहने हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्विक अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।